Hey everyone, this is Asad. So after a long time I'm making this video. जैसा कि आप जानते हैं कि exams for Jamia और AMU they will be basically commencing from the month of April. April month के बाद से exams आपके शुरू हो जाएंगे. Okay, whether it be for CVT, PG exams हों या फिर undergraduate exams हों, आपके ये exams शुरू हो जाएंगे April month से. So we are now resuming the video series. हम वापस से video रिज्यूम कर रहे हैं अपने चैनल पे. यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन एंड एज यू नो सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम रीजन मैप सो फार. वी हैव गिवन सो मेनी सिलेक्शंस. बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से उन्होंने तैयारी की है और बहुत सारे बच्चे के सिलेक्शन हुए हैं. सो या वी आर गोइंग टू रिज्यूम दिस सीरीज और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिलेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आज. Alright, so look at this question. So question says that which of the following mountain ranges form a dividing line between the Ganges Plain and the Deccan Plateau. So as you know, the India is divided into several geographical features, right? Geophysical features के basis पे India को हम कई सारे parts में divide करते हैं. Namely, अगर हम बात करें तो ये हमारा Northern Plains हमारा हो जाता है और ये हमारा Deccan प्लेट्यू होता है. डेक्कन प्लेट्यू ऊपर आपको सेंट्रल हाइलैंड्स में देखने को मिलते हैं, राइट. अब हम डिवाइड की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज वेयर द विंध्यान रेंज लाइज और इसके ऊपर आपका ये गंगा प्लेन हो जाता है, नीचे आपका डेक्कन प्लेट्यू है, राइट. सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि विंध्याचल रेंज जो है आपका इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में ऑलमोस्ट डिवाइड कर रहा होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंटीग्रेटेड कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच आर बींग सपोर्टेड बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. तो ये आपका जो कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपका जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट कर रहा है, जिसे सपोर्ट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपका ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक को किसने लिखा था. हैव अ लुक एट दिस इमेज. सी, दिस इज द बुक द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी और इसे लिखा था पीसी अलेक्जेंडर ने. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीसी अलेक्जेंडर. द 90 ईस्ट रिज इज अ सबमरीन वोल्केनिक रिज लोकेटेड इन. ये आपका एक हॉट स्पॉट है सबमरीन वोल्केनिक रिज. ये आपका कहाँ पर लोकेटेड ये आपको बताना है. तो ये आपका इंडियन ओशन में है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू एंड जैन माइथोलॉजी रिफर्स टू विच अमंग द फॉलोइंग एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. माउंट कैलाश, उज्जैन, माउंट मेरू या फिर पुष्कर लेक. तो चाहे हम हिंदू धर्म में बात करें या जैन धर्म में बात करें या बौद्ध धर्म में हम बात करते हैं, इन सभी धर्मों में माउंट मेरू को, जिसे हम माउंट सुमेरू भी कहते हैं कभी, सो माउंट मेरू या फिर सुमेरू की हम बात करें, इसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कंसिडर किया जाता है. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बात हो रही है कि इनमें से कौन सा ओशन, इनमें से कौन सा सी है जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है. इज इट द वाइट सी, इज इट द सार्गासो सी, इज इट द तस्मानियन सी और इज इट द जापान सी. सो इंटरेस्टिंगली अगर आप देखते हैं सार्गासो सी आपको यहाँ पर लाई करता है, राइट, एंड यू कैन क्लियरली सी कि इसकी कोस्ट लाइन नहीं है, एग्जिस्ट करती है. तो सार्गासो सी आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड हिंदी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं. जनवरी 15, 10th ऑफ जनवरी, 17 जनवरी या फिर 17 दिसंबर. तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल हम 10 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, राइट. तो 10th ऑफ जनवरी को ये सेलिब्रेट होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से इनमें से कौन से वाइसरॉयज एसोसिएटेड हैं. तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पर. तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा. ये कंट्रोवर्सी बेसिकली था क्या, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द लॉर्ड रिपन.
सो बेसिकली क्या था ना, इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1833 में। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि इल्बर्ट बिल कब आया था, तो याद रखना है आपको 1833 में आया था। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये था कि इंडियन जजेस को पावर दे दिया जाए, इंडियन जजेस और मैजिस्ट्रेट को पावर दे दिया जाए कि वो ब्रिटिश ऑफेंडर्स को, क्रिमिनल या सिविल ऑफेंडर्स को वो ट्राई करेंगे कोर्ट में, राइट। तो इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कंट्रोवर्सी की थी। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो देन। ऑल राइट देन।